सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नजर मार लेनी हूं सुर्खियां दी वल। नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस के कौमी प्रधान मल्लिका अर्जुन खड़गे नाल की मुलाकात। भरोसेयोगता का नाम मल्लिका अर्जुन खड़गे, कहा नवजोत सिद्धू ने। किसान भलाई विभाग वालों कानूवान च लगाया गया किसान सिखलाई मेला, वड्डी गिनती विच किसानां ने की शिरकत। पूरा देश मना रहे वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व सेहत संगठन ने सबना नूं सेहत दा ध्यान रखने की कीती अपील। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के कौमी प्रधान मल्लिका अर्जुन खड़गे नाल मुलाकात की है। इस दौरान नवजोत सिद्धू ने सोशल मीडिया से ट्वीट करके लिखा है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे 9 बार एमएलए बने, 3 बार मैंबर पार्लीमेंट, पछड़े लोगों लिए चैंपियन, सच की आवाज बने ने। इस नाल उन्होंने कहा कि भरोसेयोगता का नाम मल्लिका अर्जुन खड़गे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अगे लिखा है कि मानयोग कांग्रेस प्रधान नाल मुलाकात की, उन्होंने आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी लिए सकारात्मक हुलारे से चंगी किस्मत लैके आए हैं। जिक्र योग है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जेल चो रिहा होने मगरों बीते दिन पहली बार साबका कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नाल मुलाकात की। रिसर्च अकादमी अमृतसर से श्री करतारपुर साहब संघर्ष कमेटी वालों अपन सहयोगी जथेबंदियों एक मीटिंग की गई, जिस दौरान गुरद्वारा श्री करतारपुर साहब के डेरा बाबा नानक कोरीडोर राही संगतों दर्शन दीदार करने संबंधी आदि कठिनाइया के मद्देनज़र विचार वटांदरा किया गया। आगुआ ने कहा कि पासपोर्ट की शर्त खत्म कर, $20 की फीस खत्म कर, भारत पाकिस्तान दरमियान व्यापार शुरू कर, औखी ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया खत्म करने लिए पंजाब के केंद्र सरकार अगे आवाज बुलंद करने लिए एक विशाल शांति मार्च कढ़िया गया। अज कोरीडोर तो लैके श्री दरबार साहब तक जरा मार्च किया, जो सुविधा हो सके, जे जो पासपोर्ट की थान पर आधार कार्ड लागू होना चाहिए, जरा दूजा उधर $20 लै रहे वो $20 बंद होने चाहिए ने, इतने व्यापार का केंद्र खुलना चाहिए, तीजा एक पार्किंग का इन्होंने करता है वो पार्किंग बंद होनी चाहिए। लोगों का यही नहीं, लोग गड्डिया लैन 50,000 रुपये तुम दे के जान, वो टैक्स भर के जान, धक्के 50,000 रुपये देने वो बंद होना चाहिए। अमृतसर पुलिस वालों शहर में मोटरसाइकिल ते एक्टिवा चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने संबंधी विशेष मुहिम चलाई गई है, जिसके चलदिया थाना रणजीत एवन्यू की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एसीपी पुलिस अधिकारी वरिंदर सिंह खोसा ने मीडिया को जानकारी दिंदिया दस्सिया कि थाना रणजीत एवन्यू की पुलिस टीम ने वाहन चोरों को गिरफ्तार करके उन्होंने पासों चोरी शुदा वाहन बरामद किए। उन्होंने कहा कि पिछले दिन ही वाहन चोरी करने वाले 4 दोषियों को काबू किया गया, पुलिस वालों रिमांड दौरान इन्हों को 15 के करीब चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं, जिन्होंने खिलाफ अगली कार्रवाई की जा रही है। कानूवान के स्थानक खेतीबाड़ी दफ्तर अंदर किसानों अपने खेती उत्पाद आप वेचण के मकसद नाल किसान हट का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ते जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां वालों सांझे तौर पर किया गया। इस मौके पर सेखवां ने दस्सिया कि इस किसान हट विच ऑरगैनिक काटा, दालां, सब्जियां, शहद, गुड़, शक्कर, तेल ते होर घरेलू उत्पाद वेचे जाणगे। असी कानूवान दे विच पहलकदमी की आ किसान हट खोल के, जिथे किसान जिहड़े आ वो अपनी जिहड़ी पैदावार आ कोई भी अपना प्रोडक्ट आ उत्थे डायरैक्टली सेल कर सकते आ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वो खोली आ और डीसी साहब ने अज मेरे नाल उहदा उद्घाटन किया।
जिहड़े इहो जिहे एफर्ट्स ने एक किसानी दे लई बड़े लाहेवंद साबित होणगे। जदों किसान अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद कर लग गया तो फिर किसानी एक लाहेवंद धंधा होगी, किसानों नूं करजा माफ कराउण दी लोड़ नहीं होगी, किसान अपने पैरां ते रहेगा, अपना करजा आप। अमृतसर के महासिंह गेट विखे सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं जाण वाले रस्ते उपर तंबाकू दीआं रेहड़ियां दे कारण संगतां ते पै रहे माड़े प्रभावां संबंधी समाज सुधार संस्था के मुखी मनजीत सिंह भोमा वल्लों अपने संस्था के साथियों नाल रोस प्रदर्शन करदे इन्हां उपर कार्रवाई करन दी गल आखी गई। इस संबंधी गलबात करदे आ समाज सुधार संस्था के प्रधान मनजीत सिंह भोमा ने दस्सिया कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब दुनिया भर की आस्था का केंद्र है ते उसके रस्तियां विच तंबाकू दीआं रेहड़ियां ते खोखियां नाल संगतां उपर गलत प्रभाव पैंदा है ते सरकार ते प्रशासन नूं चाहिदा कि इन्हां ते कार्रवाई करे। दिन दिहाड़े सरहंद शहर विखे एक सुनियारे की दुकान ते एक नौसरबाज औरत वालों ठगी मारन का मामला सामने आया, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया से वायरल हुई है। जानकारी देते हुए सुरेंद्र ज्वेलर्स रेलवे रोड हिमायूपुर सरहंद के मालक बब्बी वर्मा ने दसिया कि एक औरत सोने की खरीदारी करने लिए दुकान पर पहुंची, जिसने कन्ना विच पाउण लिया घट वजन दीआं वालियां दिखाउण दी मांग की। उन्होंने कई तरह दीआं सोने दीआं वालियां ते कन्ना दे टॉपस उस औरत नूं दिखाए, जिस वेले उक्त औरत सोने दीआं वालियां देख रही सी उस समय उसने दो जोड़े वालियां ते एक जोड़ा टॉपस अपने हत्थां विच पा ले, जिस बारे उसनूं उस समय कुछ पता नहीं लग्या। उक्त औरत वालियां पसंद नहीं ने कह के दुकान तो चली गई। उकत औरत दे जाण तो कुछ देर बाद उसने वालियां ते टॉपस चैक किते तो पता लग्या कि उस विच दो जोड़े वालियां ते एक जोड़ा टॉपस घट ने। जदों दुकान विच लगे सीसीटीवी कैमरियां नूं चैक किया तो पता लग्या कि उकत औरत सोना लैके फरार हो गई है, दो जोड़े वालियां ते एक जोड़ा टॉपस लगभग सवा तोले दे सन। बब्बी वर्मा ने दस्सिया कि इस संबंध विच थाना सरहंद विखे शिकायत दर्ज करवा दित्ती गई है। मेरे कोल दुपहरे 2 बजे जी एक कस्टमर आया, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਕੀਆਂ। ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਸੀ? ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ 50 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਲੇਡੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਜੋੜੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੋ ਜੋੜੇ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ 3 ਜੋੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੋਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤੋਲਾ ਵੇਟ ਸੀ ਜੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਸੀ ਹੁਣ? ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਸੀ 70,000 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੀਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਬਲਾਕ ਕਾਨੂਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਵਾਂ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸੈਰੀ ਕਲਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ADCP ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਰੌਚਮੈਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ADCP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
लुटा हुआ करन वालियां ने हुन लोकां नूं लुटण दे वखरे ढंग तरीके अपनाउणे शुरू कर दिते ने। जी हाँ, लुट दी इक अजिही अनोखी घटना मोगा दे कालसा रोड ते देखण नूं मिली, जिथे एक बजुर्ग जोड़े तो उसदे लखां रुपए की कीमत दीआं दो सोने दीआं मुंदरियां लुटेरे वखरे तरीके नाल लुट के रफू चक्कर हो गए। मोगा दे कालसा रोड दे रहण वाले सुखदेव शर्मा ने दस्सिया कि उह अपनी पत्नी नाल बाजार विचों घरेलू काम करके घर वापस परत रहे सन। तां जदों उह घर नज़दीक पहुंचे तां रस्ते विच खड़ी इक महिला ते इक व्यक्ति ने कहा कि तुहाडे घर विच किसी नूं जेकर कोई रोग लगे तो उसका हल कर देंगे। तो उकत बाबे ने गल्लां करदे करदे उसनू जेब विचों रुमाल कढ़न नहीं कहा, तो उकत बाबे ने धरती तो रोड़ियां चुके रुमाल विच लपेट दित्तियां। उसनू कहण लगा कि अपनी मुट्ठी विच लपेट लो ते जो सोने दीआं मुंदरियां पाईआं उह इस रुमाल विच रख लो। बाद विच पता नहीं बाबे ने रुमाल नू की लगाया, उन्हां नू कुछ भी पता नहीं लग्या। तो सानू इन्ना जरूर पता लग्या कि बाबे ने कहा कि इह घर जा के ही खोलना। जदों असीं घर आए तां रुमाल खोलिया तां उस विच मिट्टी दीआं रोड़ियां निकलियां, उन्हां दीआं लखां रुपईआं दीआं सोने दीआं दो मुंदरियां बाबा लैके रफू चक्कर हो गया। उन्हां पुलिस प्रशासन तो इंसाफ की मांग करदे आ, जिहे अखौती साधुआं खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरकार वालों ई रिक्शा संबंधी बनाई गई नवी पॉलिसी के विरोध में समाज सेवी मनदीप सिंह मन्ना वालों नगर निगम कमिश्नर नाल मुलाकात कर ई रिक्शा चालकों नूं पुरानी पॉलिसी के हिसाब नाल ई रिक्शा चलाउण देण संबंधी गुजारिश की गई। इस संबंधी गलबात करदे मनदीप सिंह मन्ना ने कहा कि प्रशासन ते सरकार ई रिक्शा की नवी पॉलिसी बना कारपोरेट घराणियां नूं फायदा देण की गल कर रही ने, जिस नाल 35,000 के करीब परिवारों की रोजी रोटी का मसला बनिया होया। सरकार नवी पॉलिसी तहत 3 कंपनियां नूं ई रिक्शा वेचण की मंजूरी दे रही है, जिस नाल ई रिक्शा चालकों नूं रिक्शा 2.5 to 3 lakh रुपए विच पवेगा, जो कि हुण 1.25 lakh च पै रहा। सरकार ते प्रशासन नूं चाहिए है कि वह गरीबां दे परिवार की रोजी रोटी नूं ना उजाड़न। इस संबंधी कमिश्नर नगर निगम संदीप ऋषि ने दस्सिया कि ई रिक्शा चालकों की मुश्किलों के बारे गलबात की गई है। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा जो 3-4 साल पुराने ने, उन्हों का टैक्स इन्हों देना पैना, इसका हल कढ़िया जाएगा। देखो, शहर दे विच बहुत सारा जिहड़ा आटो चलता है, जिहदे विच ई रिक्शा बहुत ज़्यादा ने, 35-40 हज़ार रिक्शा जिहड़ा ई रिक्शा चलता, और कमिश्नर साहब के कहण मुताबिक 1.25 lakh के करीब सीगा। चलो, इन्ना तो मैं मानता नहीं, 30-40 हज़ार जिहड़ा परिवार इस ई रिक्शा तो पलदा इहदे नाल जुड़िया, उहनू पिछे जे बंद करन दा एक पॉलिसी बनाई गई सरकार वल्लों, दी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, वह भी लिख के भेज रहे हैं कि इन्हों की भी जी रजिस्ट्रेशन है वो जगह फ्री कर दी जाए, जा बहुत माइनर जोड़े चार्जिज़ ने, मिनीम चार्जिज़ ले जा। उस तो बाद सरकार मंत्री साहब ने भी यह भरोसा दिता है कि हाँ, जैनुअन प्रॉब्लम है, और मैं कमिश्नर साहब न भी उन्होंने गल कराई है फोन के उत्ते, उन्हें सारी चीज़ समझी है। जिस तरीके उन्हें फोन के उत्ते कहा कि इन्हों का हल जो होना जरूरी है, मेरे ख्याल मंत्री साहब का हल भी क्ढन के एक जैनुअन प्रॉब्लम है, वो तो मैं किसी को भी फोन करना पवे, मैं मैं CM साहब को भी फोन करना पैंता तो मैं जरूर करता कि लोग भुखे थोड़ी मार देंगे, वो कमा के खाना चाहते हैं। जे इन्हों वेले कर दोगे तो इतने कई लुटा खोह कर कई ने अपने टब्बर पालने ने, क्राइम बधूगा यार, जो कमा के खाना चाहते तो कल सरकार की जी स्कीम है वो ना इन्हों उत्ते थोपी जाए। वो बहाना की लाया जाता कि ये फर्मा जिहड़ियां वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो एक सर्टिफिकेट जारी करता कि यो फर्म जी रजिस्टर्ड हो सकती पंजाब च, उहदे तुसीं इह देखो ना, सरकारां नूं सहूलत देनी चाहीदी आ लोकां नूं, ना कि वड्डे घरां नूं भरन लई थोपना चाहीदा। लोकेश राहुल दी लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स अपने घरेलू मैदान एकाना स्टेडियम से परतते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 एडेन मार्करम दी सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगी। अपने पिछले मैच राहुल दी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स का किला लगभग ढह ढेरी कर दिता सी, हालांकि वह 217 दौड़ा के टीचे तो 12 दौड़ा दूर रह गई। कायल मेयर्स से निकोलस पूरन ने चेन्नई खिलाफ हमलावर बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया, लखनऊ नू इस कैरबीआई जोड़ी को एक बार फिर इसे तरह की उम्मीद होगी। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिडाक का भारत आना लखनऊ लिए चंगा संदेश है, हालांकि मेयर्स की खतरनाक फार्म कारण शायद उस कुछ समय लिए टीम चो बाहर ही रहना। मौजूदा समय कई बीमारियां जईयां ने जो लोगों नू शरीरिक मानसिक ते आर्थिक तिन्ना रूपां नाल अपनी गिरफ्त विच लै रहियां ने। इसका मुख्य कारण है लोगों विच सेहत प्रति जागरूकता की घाट। हर साल विश्व सेहत दिवस
7 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व सेहत संगठन ने 1948 में विश्व की पहली सेहत सभा की मीटिंग सदी से फैसला लिया कि हर साल यह दिवस मनाया जाएगा। विश्व के लोगों की सेहत संबंधी सैमीनार, गोष्ठियां, नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि करवा के लोगों को सेहत संबंधी जागरूक किया जाएगा। इसका मकसद रहा है कि तंदुरुस्ती जीवन के सारिया खुशियां का आधार है। इसलिए चढ़दी कला टाइम टीवी सब को अपील करता है कि सेहतमंद रहो तो चढ़दी कला। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।